So hi everyone, I am Dr. R.P. Singh. I am a sports injury and joint surgeon working at Gomti Nagar, Lucknow. आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो फीवर एफएम पे एंड प्रोग्राम आपका सर्जन ऑन एयर. आज मैं आपको अवेयर करूंगा जॉइंट इंजरीज़ कैसे बचानी है और जॉइंट इंजरीज़ में आप क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और आपको जॉइंट इंजरी ना हो, इसके बारे में हम आपसे कुछ बात करेंगे. फीवर 104 एफएम से, मेरा नाम है आरजे वैभव. और देखिए, एक आम इंसान की सबसे बड़ी समस्याएँ होती हैं कि भाई उनके शरीर में कोई समस्या ना, यही उनके जहन में होता है और यही वो चाहते हैं. तो आज इसी चीज को बिल्कुल पॉइंट आउट करते हुए हम आपके साथ हाजिर हैं लेकर आज का हमारा शो सर्जन ऑन एयर, जिसे आपके साथ लेकर आए हैं सेरोनिक्स बाय हेल्थियम. और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर आरपी सिंह का, जो कि एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट भी हैं और जॉइंट सर्जन भी हैं. सर स्वागत. Nice to meet you all. सेम है सर. बहुत सारे सवाल आते हैं और सबसे पहला सवाल यही आता है लोगों के जहन में जब आप जॉइंट्स की बात करते हो कि नाना प्रकार के लोग आप मिलते होंगे आपको, तो सबसे ज़्यादा क्या परेशानियां लोगों की रहती है जो आपके पास लेकर आते हैं? ज़्यादातर तो जॉइंट पेन से रिलेटेड ही आते हैं. कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, पैर ट्विस्ट हो गया, नी ट्विस्ट हो गया. कुछ लोग खेलते वक्त, क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं, खेल रहे हैं, पैर मुड़ गया, गिर गए, तो एक वो इंजरी लेके आते हैं. और कुछ ट्रॉमा, गिरे किसी वजह से, स्कूटी से ज़्यादा आजकल बहुत कॉमन लोग गिर रहे हैं, तो वो गिर के नी इंजर्ड करके, लेग इंजर्ड करके आते हैं. तो स्पोर्ट्स इंजरी वाले पॉपुलेशन जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो लोग आते हैं, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेटर्स, ये लोग गिर के और नी ट्विस्ट करके बहुत आते हैं. रूटीन जॉगिंग रनिंग वाले भी इंजर्ड होके आते हैं. मतलब एक और चीज़ नोटिस की गई है कि लोगों को पेन होता है एंड कई बार उन्हें समझ में नहीं आता है. तो मैं आपके थ्रू जितने भी हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स हैं उनको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि किस पेन को उनको थोड़ा सा सीरियस लेना है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पेन दे शुड यू नो बी फोकस्ड ऑन, कि यार ये सीरियस हो सकता है. अगर आप कहीं इंजर्ड हुए हैं खेलते वक्त, जॉगिंग करते वक्त, रनिंग करते वक्त या जिम करते वक्त, जिम का भी बहुत पॉपुलर है आजकल, या खेलते क्रिकेट या फुटबॉल खेलते वक्त, और आपका पेन आइस, यूजुअली आपको पहले आइसिंग कर लेना चाहिए, थोड़ा सा आइस वगैरह, गर्म है, गर्म से सिकाई नहीं करना चाहिए. फ्रेश इंजरी, एक्यूट इंजरी, तुरंत जो इंजरी होती है खेलते वक्त या गिर के चोट लग के, आइस लगाएं. अगर इंजरी सेम डे या नेक्स्ट डे नहीं सेटल हुई तो आपको यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. दो तीन दिन अगर परसिस्ट कर रहा है तब तो यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट, कंसल्ट, फाइंड सम डॉक्टर. क्योंकि कई बार होता है ना कि आप पेन को कंफ्यूज कर जाते हैं कि मतलब होता किसी और चीज़ का है, लेकिन जहन में आप उसे बहुत बड़ा बना लेते हैं. तो इसके लिए इंसान को थोड़ा सा या तो सीधा डॉक्टर को कंसल्ट करें, एक दो दिन देख सकते हैं आइस वगैरह करके. आइस करके अगर सिंपल घर में कुछ पैरासीटामोल या सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है वो ले सकते हैं, आइस लगाएं, आयोडेक्स वगैरह पड़ा रहता है, कुछ जेल वगैरह, ये सब लगा के एक दो दिन में पेन सेटल नहीं हुआ. या अगर इंजरी ज़्यादा जोर से लगी है चोट, आपको खुद चलने में डिफिकल्टी हो रही है, यू विल कम टू नो नहीं इंजरी सीरियस है अभी, तो आई शुड फाइंड एंड मीट अ डॉक्टर. राइट. अच्छा, जब आप बात करते हो कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आजकल जब आप अपनी जॉइंट्स की बात करते हैं, तो किस तरह का रिस्क एक इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है व्हेन इट्स यू नो रेकरिंग पेन, मतलब रेकरिंग कोई चीज़ सामने आती जा रही है, तो कितना ज़्यादा टिपिकल हो सकता है फॉर अ पर्सन हु इज़ हैविंग दैट? बार बार अगर रिकरिंग पेन आ रहा है तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी इंजरी की वजह से हो सकता है आपके जॉइंट में कोई लिगामेंट टेयर हो, कोई मेनिस्कस टेयर हो, तो ये सब जॉइंट के वाइटल स्ट्रक्चर हैं, जॉइंट को प्रोटेक्शन देते हैं, जॉइंट को हेल्दी रखते हैं. तो जॉइंट पेन है तो आपको ये सब चीज़ों की वजह से हो सकता है, तो आपको इसको अगर बराबर पेन है तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आपको अपनी एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से मॉडिफाई करनी चाहिए, आपको अटेंशन ले. ये जब भी डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए, लोग उसे कई बार इतना सीरियस ले जाते हैं कि मंडे टू फ्राइडे तो कुछ नहीं करते, बट दे डू थिंग्स ऑन वीकेंड्स, वीकेंड वॉरियर्स. यस. तो कई बार होता ये है कि मंडे टू फ्राइडे यू आर डूइंग योर नॉर्मल रूटीन लाइफ एंड ऑल ऑफ सडन वीकेंड्स पर आप बन जाते हैं सुपरमैन, सुपर ह्यूमंस. तो क्या उसकी वजह से भी आपको आपके जॉइंट्स में कोई परेशानियां हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है. बहुत सारे लोग आते हैं अचानक, उन्होंने 5 days या 6 days कोई एक्सरसाइज नहीं की, बॉडी ट्यून्ड अप नहीं, वार्म अप नहीं है, मसल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, वो सडनली सोचते हैं वीकेंड में टाइम मिला चलो थोड़ा जॉगिंग कराते हैं, एंड एक ही दिन ज़्यादा वॉक कर लेते हैं, तो पता लगा 10 किलोमीटर जॉगिंग अटैम्प्ट कर लिया, 6 किलोमीटर जॉगिंग अटैम्प्ट कर लिया, ट्रेडमिल ज़्यादा चला लिया, जिम में जाके एक ही दिन ढेर सारा स्क्वाट वगैरह कर लिया, तो वो लोगों को तुरंत नी पेन वगैरह होने लगता है.
तो वो सब नहीं करना चाहिए आपको, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्ट्रेंथ एंड डेवलप करना चाहिए स्टेमिना, ग्रेजुअल वार्म अप करें थोड़ा। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ जो भी इंजर्ड होकर आते हैं जिम इंजरी या जॉगिंग इंजरी लेके, आप थोड़ा वार्म अप करो, ग्रेजुअली बिल्डअप करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो एंड देन यू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड वॉकिंग एबिलिटी और रनिंग एबिलिटी। 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो, कोई जरूरी नहीं पहले दिन ही जाके आप सीधे 6 किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर वॉक करो, वार्म अप करो, स्ट्रेंथ डेवलप करो, आप बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, देन आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक चले जाओ। बहुत सही, इस तरह आप बचा सकते हो अपने जोड़ों को इंजरी से। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ है, मतलब हमेशा से जहन में रहता है लाइक इट इज अ कंसर्न, लाइक मतलब लोगों को भी लगता होगा कि क्या ये एक समय के बाद होना ही होता है, लाइक जो आपके जॉइंट्स का पेन। नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप अवेयर हैं, आपने वेट कंट्रोल में रखा हुआ है, आप हल्की हल्की एक्सरसाइज डेली, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जॉइंट्स के लिए हेल्दी होती है। एक ही दिन आप ज़्यादा करोगे तो आप इंजर्ड हो सकते हो जॉइंट के लिए। अगर आप एज के हिसाब से ऐसे कि 20 इयर्स के एज में, तो आप कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं इजिली, लाइक स्क्वाट है, रनिंग है, ट्रेडमिल है। इफ़ यू आर समवन इज इन 40, वो जिम जा रहे हैं और वो सेम एक्सरसाइज 40-50 ईयर्स वाला एज में नहीं कर सकते आप जो कि आप 20 में कर रहे हैं, तो आप अपने एज के हिसाब से एक्सरसाइजेस करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जॉइंट पेन हो ही। ओके, तो अपने जॉइंट्स को हेल्दी भी रखा, हेल्दी भी रखा जा सकता है। आप 50s में हैं तो स्क्वाट, 40s सम लेट 40s में है तो स्क्वाट वगैरह थोड़ा कम करें, लंजेस कम करें, साइकिलिंग एंड रनिंग इज़ गुड फॉर एनी एज ग्रुप एक्सरसाइज, थोड़ा स्लाइटली ऑन एल्डरली एज वो लोग सिंपल सेफ एक्सरसाइजेस करें, साइकिलिंग है, सिंपल वॉक है, एक्सेसिव रनिंग, स्क्वाट, लंजेस सब एल्डरली एज ग्रुप वाले अवॉइड करें, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनको जॉइंट पेन हो ही, वो बचा भी सकते हैं, दे कैन कीप देयर जॉइंट हेल्दी। एंड एक बड़ा कॉमन मिथ, बहुत बड़ा सवाल अर्ली 2000 से चला आ रहा है कि जब आप बात करते हो सर्जरीज की, जॉइंट सर्जरीज की, सो लोगों के जहन में क्वेश्चन मार्क बना रहता है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, पहले तो हम अवॉइड करते हैं, जो किसी को अगर जॉइंट इंजरी हुई है, लिगामेंट इंजरी हुई है, तो हम उनको इनिशियली ट्राई करते हैं रिहैब से, रिहैबिलिटेशन से वो ठीक हो जाए, कंजर्वेटिव मेथड से। हार्डली 10% लोगों को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर 90% वो कंजर्वेटिव ट्रायल्स या रिहैबिलिटेशन से ठीक हो जाते हैं, तो 10% लोगों को होती है, तो एक्सपर्ट हैंड में अगर वो कर रहे हैं तो वो भी सक्सेसफुल होती है। ये मिथ था पहले, अभी भी लोगों के है कि अगर एक बार लिगामेंट सर्जरी हुई तो कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लखनऊ में ही बहुत सारे लिगामेंट सर्जरीज कर रहे हैं एंड दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, रनिंग, कबड्डी, फुटबॉल खेल रहे हैं, इवन बास्केटबॉल, हाई जंपिंग, सारा कुछ कर सकते हैं। वाओ, अमेजिंग। अच्छा, तो आपने सारे स्पोर्ट्स की बात की है, तो आई हैव अ क्वेश्चन अगेन, और वो ये कि क्या प्रोटेक्टिव गियर्स काम आते हैं व्हेन यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन? या डेफिनेटली, और नी कैप्स हैं, साइकिलिंग के टाइम नी कवर्स हैं, एल्बो कवर्स वगैरह हैं, वो करना चाहिए। एंड कोई भी स्पोर्ट करने से पहले आपको बॉडी को वार्म अप, नी स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब करके देन यू शुड जंप इनटू स्पोर्ट। खेलने से पहले आपको सारे जॉइंट्स का स्ट्रेंथनिंग, वार्म अप, स्ट्रेचिंग वो करके एंड फिर आपको खेलना चाहिए। बहुत, तो इससे आप बचा सकते हैं जॉइंट इंजरी से। अगर कोई रिहैब वाला आपके टच में है, अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, तो कोई रिहैब वाला है जो आपको गाइड कर सकता है कैसे स्ट्रेच करें जॉइंट्स को, स्ट्रेंथन करें एंड देन फिर गेम करें। स्ट्रेट अवे सीधा घर से निकले और सुबह एकदम से जाते से ही खेलने लगे वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बहुत सही। तो आज मतलब बहुत सारे मिथ्स मुझे लगता है कि लोगों के दूर हुए होंगे, बट व्हाट वन थिंग यू सजेस्ट टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू? हाँ, थोड़ी एक्सरसाइज जॉइंट्स के लिए हेल्दी है, डेली थोड़ा सिंपल वॉक एंड साइकिलिंग, ये तो सभी को करना चाहिए। एंड एक्सरसाइज पर्सन स्पेसिफिक, एज स्पेसिफिक, सबको अपनी अलग अलग अपनी कैपेसिटी बॉडी की समझनी चाहिए एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई ज़्यादा एक्सरसाइज एकदम से वेट कम करने के लिए करेगा तो जॉइंट इंजर्ड हो सकता है। तो सबसे पहले तो यही है कि जब आप बात करते हो कि अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना है, तो व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड बी डन बाय द स्पोर्ट्स पर्सन एज़ वेल? स्पोर्ट्स पर्सन को अपने एक्सरसाइज ट्रेनिंग का, अगर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट है तो उसके पहले एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए। अगर थोड़ा भी टायर्ड लग रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लें, पॉज ले लें, अगर कुछ भी इंजरी के साइन लग रहे हैं, जैसे पेन है, मसल खींच रहा है, तो ओवर एग्जर्ट ना करें और फोर्सफुली ट्राई उसको ना करें स्पोर्ट्स खेलने का। थोड़ा ब्रेक ले लें, रिकवर कर जाने दें, मसल्स को रिकवरी का टाइम दें, रिजुविनेट हो जाएं प्रॉपर। किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से पहले एडिक्वेट रेस्ट, हाइड्रेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो सब लेके जाएं, सो दैट वहाँ पे डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से क्रैम्प्स वगैरह ना हो। प्रॉपर न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। और अगर कुछ थोड़ा सा इंजरी के साइंस लग रहे हैं, जैसे माइल्ड पेन है, मसल्स में खिंचाव है, फटीग लग रहा है, तो ब्रेक अगर पॉसिबल हो तो पॉज ले लें या उसके पहले कंसल्ट कर लें। फोर्सफुली ना अटेम्प्ट करें, अदरवाइज वो फिर लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है, लास्ट इवेंट हो सकता है।
आप रिकवर कर जाएंगे, देयर इज अनदर, यू विल गेट अनदर चांस. बट अगर इंजरी परमानेंट हो गई, सीवियर हो गई, तो फिर यू माइट नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर अ लॉन्गर टाइम. ट्रू, ये चीज़ का ख्याल आपको भी रखना है ना. इट्स नॉट जस्ट अस कि हम बताएंगे और चीज़ें बताएंगे, ध्यान जरूर रखना. थैंक यू.